मकर संक्रांति की रौनक ताजनगरी में जगह जगह देखने को मिली। शाहगंज स्थित सोमनाथ धाम मंदिर पर भी मंदिर समिति के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़े पैमाने पर भक्तों ने भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। मकर संक्रांति की रौनक ताज नगरी में जगह जगह देखने को मिली। शहर में कई जगह खिचड़ी और भंडारों का आयोजन किया गया, तो वहीं बाजार भी पतंगों से सजे नजर आए। इस दौरान पतंगों की जमकर खरीदारी हुई। शाहगंज स्थित श्री सोमनाथ धाम मंदिर पर मंदिर समिति के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़े पैमाने पर भक्तों ने भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। इस मठ श्री सोमनाथ धाम से मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज भंडारा रखा गया है, जो आज एक राम का विषय बना हुआ है, पूरा विश्व का विषय बना हुआ है भगवान राम का। उस मुद्दे को लेते हुए हम सभी में ये धर्म सांस्कृतिक कार्यक्रम को इसलिए आज फैला रहे हैं ताकि सभी को मालूम पड़ना चाहिए मकर संक्रांति की एक क्या अपनी भूमिका है और कैसे कैसे हमारे धार्मिक सनातन का जो हिंदुओं का त्यौहार है किस प्रकार मनाना चाहिए, हर एक बच्चे से बूढ़े तक कैसे ये त्यौहार मनाना चाहिए, कितनी उत्साह में होना चाहिए, ये आज हमारे यहाँ श्री सोमनाथ धाम के कार्यकर्ता सबको दिखा रहे हैं। जहाँ एक और युवाओं में बड़ा उत्साह है, यहाँ लोग पतंगबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ धर्म की संस्कृति की बात करें तो हमारे गुरुजी श्री सोमनाथ धाम के मठाधीश योगी शंकरनाथ जी के सानिध्य में आज यहाँ भंडारे का आयोजन हुआ है, खिचड़ी का वितरण हुआ है, तो एक समरसता का भाव लाने का काम हम लोग कर रहे हैं, कोई भेदभाव ना हो, सबको साथ लेके काम कर रहे हैं। तो आज एक पवित्र त्यौहार है जिसको हम मिलकर मना रहे हैं और आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। बता दें कि मकर संक्रांति हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक अलग अलग नामों से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इस वजह से इस पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। इसके साथ ही इस पर्व पर पतंग उड़ाने की भी प्रथा है। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।